एलन मस्क ने ट्विटर की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके बाद कंपनी में कई बड़े कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को भी बाहर कर दिया है। दरअसल एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच ट्विटर युद्ध चल रहा था। एलन मस्क उनसे नाराज भी चल रहे थे। अब एलन मस्क ने ट्विटर तो खरीद लिया और खबरों के मुताबिक पराग अग्रवाल पर गाज भी गिरी है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। लेकिन पराग अग्रवाल को बाहर निकाले जाने के बावजूद एलन मस्क उन्हें भारी रकम देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग अग्रवाल को 346 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसकी वजह ट्विटर और एलन मस्क के बीच करार है। इस करार में तय हुआ कि अगर मस्क पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकालते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा। ट्विटर और मस्क के बीच हुई डील के मुताबिक अगर पराग अग्रवाल को कंपनी पर नियान के बदलाव के 12 महीनों के अंदर निकाला गया तो उन्हें हर्जाने का भुगतान करना पड़ेगा। अप्रैल में सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एलन मस्क पराग अग्रवाल को ट्विटर से टर्मिनेट करते हैं बदले में 346 करोड़ रुपए देंगे। इसका आकलन ट्विटर में पराग अग्रवाल की बेस सैलरी एग्जीक्यूट पर आधारित था। पराग अग्रवाल के पास ट्विटर के 1,28,000 से भी ज्यादा शेयर थे। नवंबर 2021 में पराग अग्रवाल को जैक डोरिस के इस्तीफे के बाद ट्विटर का सीईओ बनाया गया था। सीईओ बनने से पहले पराग अग्रवाल ट्विटर पर ही एक बड़े पद पर थे। बड़ी बात यह है कि अप्रैल में ही एलन मस्क ने ट्विटर पर $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। उसी समय से पराग अग्रवाल को बाहर निकालने की बात हो रही थी। एलन मस्क ने 14 अप्रैल को एक सिक्योरिटी फाइलिंग की थी जिसमें जिक्र था कि उन्हें ट्विटर के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है। इसके बाद पुख्ता हो गया था कि एलन मस्क पराग अग्रवाल को बाहर कर देंगे। इसकी पुष्टि खुद पराग अग्रवाल ने की थी। उन्होंने कंपनियों के कर्मचारियों से कहा था कि एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। किसी को भी नहीं पता है कि कंपनी किस तरफ जा रही है। इसी साल अप्रैल में मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश रखी थी। बाद में मस्क ने अपनी पेशकश से पीछे हट गए थे। एलन मस्क का आरोप था कि ट्विटर फर्जी अकाउंट के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। पराग अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी कंपनी को गुमराह कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर पराग अग्रवाल और एलन मस्क के बीच ट्विटर पर भी जोरदार बहस हुई थी। इसके बाद एलन मस्क ने जवाब भी दिया था। बता दें कि ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क के पास शुक्रवार तक का समय था। अगर एलन मस्क डील पूरी करने में फेल हो जाते तो उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ता। लेकिन एलन मस्क ने गुरुवार को ही डील पूरी कर ली। ट्विटर को खरीदने की डील पूरी करने के बाद एलन मस्क एक्शन में आ गए। उन्होंने कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और दो अन्य टॉप अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। तो आप हमें बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी।